Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Students, as we were doing our chapter number 11, transportation in animals and plants. In the previous video, we did about the transport system in humans and excretion in animals and excretory system of human. In today's video, we will study about transport of substances in plants. अब एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स के अंदर किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, विच सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा. तो स्टूडेंट, इन द चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था कि प्लांट्स प्रिपेयर फूड. प्लांट क्या करते हैं, ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ CO2, बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके प्लांट क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं. क्यों बनाते हैं फूड, एज वी नो ऑल लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. किस लिए चाहिए एनर्जी, अपनी लाइफ प्रोसेस करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग, मतलब रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एंड ऑल सारी प्रोसेसेस करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. इसीलिए वो अपना फूड बनाते हैं. अब बात ये थी कि उन्होंने फूड कैसे बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाया. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लांट्स तक पहुंचा कैसे, प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए प्लांट्स के पास, प्लांट्स को क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. ठीक है, और वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं. वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब बाय द रूट्स अप टू द लीव्स. वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब किए जाते हैं किसकी हेल्प से, रूट्स की हेल्प से. और कहां तक जाते हैं वो अब्सॉर्ब होने के बाद, लीव्स तक जाते हैं. सेम एज हमें पता है प्लांट ग्रीन लीव्स होती है वो खाना बनाती है. सिर्फ प्लांट में ग्रीन लीव्स या ग्रीन स्टेम खाना प्रिपेयर कर रही है, बट खाना तो रूट्स को भी चाहिए. तो ग्रीन लीव से फूड कहां तक आना है, रूट्स तक आना है. तो उसके लिए भी प्रॉपर क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड क्यों है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एंड टू ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ. कहां पे जाएगा वो फूड, टू ऑल अदर पार्ट्स में. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड क्यों है. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स में वो कैसा होता है. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम. उसे क्या कहते हैं, वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं. क्यों कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब्स, वेसल्स होती हैं. इसीलिए उसे क्या कहते हैं, वेस्कुलर सिस्टम. कितनी वेसल्स होती हैं, दो टाइप की वेसल्स होती हैं. कौन कौन सी, जाइलम एंड फ्लोएम. दो ट्यूब्स हैं, कौन कौन सी, दो टाइप की ट्यूब्स हैं, जाइलम और फ्लोएम. और ये कहाँ कहाँ होती है प्लांट्स में, प्लांट्स की रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में एंड लीव्स में. मतलब ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव दीज ट्यूब्स. कौन कौन सी ट्यूब, जाइलम और फ्लोएम. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम. इसमें आप देख सकते हो जाइलम और फ्लोएम को, आप ये देख सकते हो. यहां से आपको एक फ्लोएम क्या दिखाया हुआ, डायरेक्शन शो की हुई है, जहां से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, वाटर एंड मिनरल. वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होके रूट्स की हेल्प से कहां जा रहा है, अपर अपर डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है एरो. ये क्या है, जाइलम. जाइलम के थ्रू फूड, जो वाटर एंड मिनरल है वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है. आप ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, आप यहां देख सकते हैं क्या हो रहा है, वाटर एंड मिनरल ऊपर की तरफ जा रहा है और वन वे प्रोसेस है ये. सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है वाटर, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ सकता. सेम एज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम क्या कर रहा है, आप पहले तो देखिए, ये फूड, वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. और क्या कर रहा है, ये ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर. बिकॉज अगर इस, फॉर एग्जाम्पल, इस लीफ ने अगर फूड बनाया तो ये लीफ है, ये फूड अपना नीचे भी भेजेगी और ऊपर वाले लीव्स को भी शेयर करेगी. तो इसी वजह से जो जाइलम का टिश्यू है, जाइलम जो है वो सिर्फ वन वे डायरेक्शन शो करता है, और जो फ्लोएम है वो टू वे डायरेक्शन शो करता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्यूब्स. आफ्टर दैट, अगर हमें डिफाइन करना आ जाए व्हाट इज जाइलम और व्हाट इज फ्लोएम, तो आप उसे कैसे राइट करेंगे इन वन मार्क डेफिनेशन. द वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम. ऐसा वेस्कुलर टिश्यू जो किस लिए यूज हो रहा है, क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज हो रहा है, वॉटर और मिनरल, उसे हम कहते हैं जाइलम. एंड द वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम.
जो फूड ट्रांसपोर्ट करे दैट इज फ्लोएम, दैट जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करे वो क्या होता है जाइलम। लेट स्टडी द डिटेल वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स इन प्लांट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय द रूट हेयर, कि एब्जॉर्प्शन जो हमने पढ़ा जाइलम में वो कैसे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, बाय द रूट हेयर होता है। वाटर एंड मिनरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और सॉइल के अंदर प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है रूट, और रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्या कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर क्या करते हैं वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके कहाँ देते हैं रूट्स में, और रूट्स के थ्रू वो क्या होता है जाइलम ट्यूब्स के थ्रू और डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, लीव्स में, स्टेम्स में, ब्रांचेस में। लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर, जितने ज्यादा रूट हेयर होंगे उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा सरफेस, सरफेस एरिया किसका इंक्रीज हो जाएगा अब्जॉर्प्शन का, मतलब जितने ज्यादा रूट हेयर होंगे उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, किसका अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और जो ये वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर करते हैं जो कहां से सॉइल से, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। सो अब हेयर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन वेयर इट कॉन्सेंट्रेशन इज हायर टू रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है पैसेज ऑफ वाटर, मतलब वाटर फ्लो होता है, ठीक है, किसके थ्रू होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, कहां से कहां तक होता है वो क्या होता है वाटर कहां से ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लो कहां से होगा वाटर का, जहां पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से किस तरफ होगा, जहां पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी उसे हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस। तो अब आप सबको पता ही है पानी की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी, ऑफकोर्स सॉइल में, क्योंकि हमने सॉइल में पानी डाला होता है, तो पानी कहां से कहां जाएगा सॉइल से रूट्स में जाएगा, कौन से प्रोसेस के थ्रू जा रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। सो दिस इज द अब्जॉर्प्शन इन वाटर एंड मिनरल बाय द रूट हेयर। अब ये बात आती है कि आफ्टर दैट एक बार वाटर एंड मिनरल क्या हो गया रूट में चला गया, तो उसके बाद बार बार क्यों जाता रहता है, पानी रिमूव होता क्यों रहता है ऊपर से। द जाइलम फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल, जाइलम एक चैनल बनाता है कॉन्टिन्यूस कहां से रूट से लीफ तक का, जहां पे वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता रहता है। अब बात आती है कि जो ये वाटर है ये ऊपर की तरफ क्यों जाता है, इस पे ग्रह हमें पता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज हो उस पे हर चीज पे एक फोर्स लगती है, जो फोर्स कौन लगाती है ग्रेविटी लगाती है, बट पानी तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो नीचे क्यों नहीं आता, उसके बारे में हम पहले अपनी 6th class में पढ़ चुके हैं कि हमें ये पता है कि जो प्लांट की लीव्स हैं उनके थ्रू वाटर इवापोरेट होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा उसे हम क्या कहते आए हैं ट्रांसपीरेशन। लुक एट दिस बुक, हम क्या पढ़ते आए हैं कि वाटर इवापोरेट होता है, कहां से इवापोरेट होता है वाटर थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू इवापोरेट होता है, जो कहां प्रेजेंट होता है लीव्स में, उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब बात आती है कि जो ये वाटर है ये जब रिमूव होता है लीव्स के थ्रू तो ये क्या क्रिएट करता है सक्शन पुल, मतलब एक फोर्स क्रिएट करता है कि ऊपर से पानी निकल रहा है तो प्लांट में क्या क्रिएट हो रही है, लुक एट दिस पिक्चर, जैसे जैसे पानी निकल रहा है यहां से, जैसे जैसे पानी यहां से ऊपर की तरफ निकल रहा है तो क्या हो रहा है एक फोर्स क्रिएट हो रही है नीचे, और जिस फोर्स की वजह से जो रूट्स हैं, जो रूट हेयर हैं, वो सॉइल से और पानी और मिनरल ले जा रहे हैं, ठीक है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सक्शन पुल, उसे क्या कहते हैं सक्शन पुल, मतलब सक करने वाला जो फोर्स है वो लग रही है, ठीक है। अब बात आती है असेंट ऑफ सैप, व्हाट इज असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप किसे कहते हैं, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है वाटर की एंड मिनरल की, किसके थ्रू जाइलम के थ्रू, से हम कहते हैं असेंट ऑफ सैप, ठीक है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ जो जाइलम के थ्रू वाटर सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर से नीचे, और उसी डायरेक्शन के जो मूवमेंट के वाटर को हम क्या कहते हैं असेंट ऑफ सैप। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है वो कम्प्लीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ जो रूट हेयर है। अभी हमने एक टर्म रीड किया दैट इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन मतलब हमने क्या पढ़ा था ट्रांसपीरेशन। अब बात आती है ये ट्रांसपीरेशन होता क्यों है, ये जो ट्रांसपीरेशन है क्यों होता है, मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ
ट्रांसपीरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन. क्यों होता है ट्रांसपीरेशन? इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ. एक तो ये क्या करता है, सक्शन पुल जनरेट करता है जिसकी वजह से ज्यादा पानी ऊपर आ सकता है. दूसरा, ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट आता है. लाइक जब हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है तो हमें कूल फील होता है ना, वैसे ही प्लांट्स में से जब वाटर रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, ट्रांसपीरेशन के थ्रू, तो प्लांट्स को भी क्या फील होता है, कूल फील होता है. जितना ज्यादा प्लांट्स ट्रांसपीरेशन करेंगे उतना ही ज्यादा क्या क्रिएट होगा, सक्शन पूल. और जितना ज्यादा सक्शन पूल क्रिएट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्या फूड का ट्रांसपोर्ट होना, कहाँ से, लीफ से कहाँ तक होना फूड का ट्रांसपोर्ट, अदर पार्ट से. किसकी हेल्प से होता है वो, फ्लोएम. वो क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर सिस्टम है, जिसकी हेल्प से जाइलम की तरह ही वो क्या है, टिश्यू, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. तो स्टूडेंट, हेयर आर चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल इज कंप्लीटेड. प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.